हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच मैक्स योर ड्रीम ट्रू। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह फिर से मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर के। फ्रेंड्स, इतना करंट अफेयर यदि आप डेली करते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशल आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा करंट अफेयर को करने के लिए। फ्रेंड्स, हम जो है डेली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और यदि किसी दिन वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता है तो उसके लिए तहे दिल से आपके साथ माफी चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 1.4 बिलियन डॉलर पैकेज की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये जो 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो सहायता प्रदान किया है, ये भारत ने प्रदान किया है और ये मालदीव को दिया है। अब फ्रेंड्स, है कि ये मालदीव को क्यों दिया गया है, तो बजट के लिए मालदीव को क्या था कि बजट के लिए जरूरत था और उसने जो है भारत से वो मदद मांगी, इसलिए उसे 1.4 बिलियन डॉलर का जो है वो सहायता प्रदान किया गया है। तो चलिए कुछ मालदीव के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मालदीव का जो कैपिटल है वो है माले, और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयोम। इस बात को ध्यान रखिए, अब्दुल्ला यामीन से भी आप याद रख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, जो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है रानिल विक्रमा सिंघे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, उनका नाम है रानिल विक्रमा सिंघे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबस्टर ने 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या रखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो वेबस्टर जो है वो 2018 का जो वर्ड ऑफ द ईयर रखा है वो है जस्टिस। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहता है। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर था 2018 का वो था टॉक्सिक। ये टॉक्सिक जो था वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का था, और ये जो वेबस्टर है वो वेबस्टर का जो है वो है जस्टिस। तो ये दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसको मिला है। तो फ्रेंड्स, ये जो 2018 का जो खिताब मिला है वो मिला है कैट्रियोना ग्रे को। उनका नाम है कैट्रियोना ग्रे, और ये जो है फिलीपींस की हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये फिलीपींस की हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वाश महिला एकल किताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्क्वाश महिला किताब जो जीता है इनका नाम है ज्योत्सना चिनप्पा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, उनका नाम क्या है, ज्योत्सना चिनप्पा। और एक बात इसमें, इन्होंने ये 16वीं बार जीता है, इनका ये जो जीत का है ये 16वीं बार हो गया है। और इन्होंने जो हराया है उनका नाम था भुवनेश्वरी कुमारी, और उनका जो है इसने उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनका नाम था भुवनेश्वरी कुमारी, उन्होंने ऑलरेडी भुवनेश्वरी कुमारी ने ऑलरेडी 16 बार जीत चुका था, और ये इस बार जीत करके इन्होंने भी इनका रिकॉर्ड कर लिया, और ये भी 16 बार कर लिए और ये भी 16 बार। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है और वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत चुकी है, और वहां पर जो मुख्यमंत्री जो बने हैं, वहां पर मुख्यमंत्री बनने को लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम था। तो वहां पर जो बने हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। इस बात को ध्यान में रखिएगा, वहां जो बने अभी उनका नाम है भूपेश बघेल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसका विश्व कप 2018 का जो खिताब जीता है वो है देश है बेल्जियम। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए कुछ बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेल्जियम का जो कैपिटल है
वह है ब्रुसेल्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, पता भी होगा सभी को। और वहाँ के जो किंग है उनका नाम है फिलिप, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है चार्ल्स माइकल। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है उनका, चार्ल्स माइकल। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का ताज किसने जीता है? ये सॉरी फ्रेंड्स, ये किसने होगा? तो हाल ही में मिस इंडिया जो वर्ल्ड वाइड 2018 का जो ताज जो जीता है उनका नाम है श्री सैनी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और ये यूएसए से बिलोंग करती हैं, ये यूएसए से बिलोंग करती हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिलाव खाजा, ये एक तरह का मिठाई होता है सिलाव खाजा, को जीआई टैग दिया गया है, यह किस प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है? तो फ्रेंड्स, ये जो जीआई टैग जो दिया गया है, ये बिहार में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जीआई टैग जो दिया जाता है, मतलब यदि कोई चीज़ वहाँ पर बहुत फेमस होता है तो इसे जीआई टैग दे दिया जाता है उस राज्य या उस वहाँ के पहचान बनाने के लिए। तो बिहार में जो ये जो सिलाई खाजा जो है, सॉरी एक मिनट, सिलाव खाजा जो है ये बिहार का है, इसलिए वहाँ का पारंपरिक पहचान बनाने के लिए इसे जीआई टैग दे दिया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार का सभी को पता होगा, बिहार का जो कैपिटल है वह है पटना है, वहाँ का जो सीएम है नीतीश कुमार है, और वहाँ का जो प्रेजेंट गवर्नर है उनका नाम है लालजी टंडन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पश्चिम यरूशलम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है? तो फ्रेंड्स, ये जो पश्चिमी यरूशलम जो है इज़राइल की राजधानी के रूप में जो मान्यता दिया गया है, वो देश है ऑस्ट्रेलिया। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। चलिए कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो गया कैनबरा, और वहाँ का जो गवर्नर है वह है पीटर गोसगर्व। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वह है मालकोलम टर्नबुल। टर्नबुल से भी आप याद रख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सबसे तेज 25 टेस्ट शतक पूरा करने वाला दूसरा बल्लेबाज बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो 25 टेस्ट में जो शतक पूरा करने वाले जो बन गए हैं, ये सभी को पता ही होगा, उनका नाम है विराट कोहली। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पिठाई फूरी कहाँ पर आया है? फ्रेंड्स, ये जो पिठाई फूरी जो है, ये एक तरह का स्ट्रॉम है, बहुत तेज प्रेजेंट विंड आया हुआ था, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पिठाई फूरी क्या है, और किसी को पता नहीं रहेगा कि पिठाई फूरी है क्या आखिर एक्चुअली में। तो ये एक तरह का स्ट्रॉम है, बहुत तेज विंड आया हुआ है, जो आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरिया है, मतलब जैसे विशाखापट्टनम हो गया, तो वहाँ पर जो है ये बहुत तेज प्रबंध आया हुआ था। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पर आया हुआ था, या फिर ये पूछेगा पिठाई फूरी क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आया तो हुआ, ये आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी बना, मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है इसको शेयर करिए, और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।